तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े दो तीन उद्योगपतियों के लिए करते हैं। अब देखिए, बीजेपी ने एक नई चीज चलाई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार चलाते हैं। जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए नहीं है। जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, आपके साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अन्याय कर रहे हैं। और इस सच्चाई को आप देश के ओबीसी युवाओं को नहीं बताना चाहते, उनसे आप यह सच्चाई छुपाना चाहते हो। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा, आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। देखिए, सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। यही दो तरीके हैं, और तीसरा तरीका है नहीं। लोग कहते हैं कि भैया नहीं, तीसरा तरीका होगा सबकी मदद। नहीं, सीधी सी बात है, या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो, या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो। और हमारी जो सरकार है, और किसी भी स्टेट में देख लीजिए, यूपीए की सरकारों को देख लो, हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। आप देखिए, देश की हालत देखिए। बघेल जी ने कहा खदान अदानी जी को दी जाती है, एयरपोर्ट अदानी जी को दी जाती है, पोर्ट्स अदानी जी को दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं किसान के खिलाफ, जो कानून बनाए गए वो कानून अदानी जी की मदद करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, सेब का पूरा बिजनेस अदानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। सीधी सी बात, मनरेगा देख लीजिए, हम मनरेगा लाए, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश के सब मजदूरों का अपमान किया, कहा कि मनरेगा बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है। भोजन का अधिकार हम लाए, कर्जा माफी हमने की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे, कमजोर लोगों की मदद नहीं करेंगे, तब तक यह देश खड़ा नहीं हो सकता, यह देश प्रगति नहीं कर सकता है। बीजेपी की सरकार क्या करती है? वही पैसा जो हम किसान को देते हैं, 2,500 प्रति क्विंटल
लाखों किसानों को हमने जो दिया वही पैसा बीजेपी अदानी को दे देती। क्या अदानी अपने पैसे को गांव में डालता है क्या? क्या अपने अदानी अपने पैसे को गांव में खर्च करता है क्या? नहीं, अदानी आपका पैसा उठा के विदेश में, लंदन में, अमेरिका में अपना पैसा खर्च करता है, बड़ा मकान खरीदता है, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदता है। तो हम जो काम करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए करते हैं, आपकी मदद करने के लिए करते हैं। बिजली बिल हमने हाफ क्यों किया? बिजली बिल हमने हाफ किया, आपके जेब में पैसा आया, वही पैसा जो आपने बचाया उसको आपने खर्च किया। कहां खर्च किया? गांव में खर्च किया, गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ी। छोटे छोटे शहरों में खर्च किया, छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो यह हमारी सोच है। अब देखिए, बीजेपी ने एक नई चीज चलाई है। बीजेपी कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी की जी कहते हैं, जहां भी जाते हैं, कि हम पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अच्छा, तो अगर आप ओबीसी की सरकार चलाते हो और आप अपने हर भाषण में ओबीसी शब्द का प्रयोग करते हो, तो फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? और जो हमने आंकड़े निकाले थे जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, उनको आप रिलीज क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हो कि आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए नहीं है। यह सच्चाई आप जानते हो और इस सच्चाई को आप देश के ओबीसी युवाओं को नहीं बताना चाहते, उनसे आप यह सच्चाई छुपाना चाहते हो। भाइयों और बहनों, पार्लियामेंट में मैंने भाषण दिया, जाति जनगणना का भाषण था, तो मैंने आंकड़े निकाले। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार चलाते हैं, यह आंकड़ा आप सुन लीजिए और देश के सब ओबीसी युवाओं को यह सुनना चाहिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात, आपके रोजगार की बात हो रही है। तो जो भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, आप अच्छी तरह सुनिए। मैंने ये पार्लियामेंट में सवाल पूछा था, आंकड़ा रखा था, बीजेपी के लोग चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोल पाए। वही लोग जो ओबीसी की सरकार चलाते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत होइए, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी सरकार को नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार में 90 आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनको सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। ये सरकार को असलियत में चलाते हैं, सारे के सारे निर्णय ये लेते हैं। मनरेगा में कितना पैसा जाएगा, सेना को कितना पैसा मिलेगा, वायु सेना को क्या मिलेगा, भोजन के अधिकार में क्या जाएगा, पूरा का पूरा पैसा, सारे से सारे निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 90 लोगों में से जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, सारे के सारे निर्णय लेते हैं, इन 90 लोगों में से पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? भाई और बहनों, 3। 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। हिंदुस्तान का बजट
तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का है, 45 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से ये तीन अफसर सिर्फ 5% बजट पर निर्णय लेते हैं। अब मेरा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी सिर्फ 5% है? जहां भी जाते हैं हम, पिछड़े लोग मिलते हैं, ओबीसी लोग मिलते हैं, हर प्रदेश में मिलते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अलग अलग काम करते हैं, 5% हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 50-55% ओबीसी वर्ग है हिंदुस्तान में। मगर यह सच्चाई नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं बताना चाहते। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा, आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो, आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है। और यह बात हर ओबीसी युवा को समझनी होगी। मैं आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अन्याय कर रहे हैं। और पहला कदम आपके लिए, पहला कदम जाति जनगणना है, उसके बाद पूरे देश को पता लग जाएगा ओबीसी की आबादी, सच्ची आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी जी अपने एक भी भाषण में यह बात नहीं उठाते। प्रेस वाले तो उनसे सवाल पूछ नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है, मगर अगर आप कभी उनकी मीटिंग में, जो टीवी पे देख रहे हैं ओबीसी युवा, आप कभी उनकी मीटिंग में जाओ तो उनसे आप एक सवाल पूछो, चिल्ला के पूछो, नरेंद्र मोदी जी आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? कांग्रेस पार्टी ने जो जाति जनगणना के जो आंकड़े थे वो निकाले, उनको आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? यह सवाल आप पूछिए ओबीसी युवा, आप पूछिए, आपके भविष्य की बात। और मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को नहीं, पूरे देश के हर ओबीसी युवा को, कि हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था, 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी और सच्चाई आपके सामने रख देगी।